हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पी नवरात्रि। जैसे कि नवरात्रि का व्रत चल रहा है, तो मैं आपके लिए नवरात्रि की एक बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरपूर और बहुत टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये है भगर, जिसको समाक चावल भी बोलते हैं। तो मैं आज भगर का पुलाव बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको एक कटोरी ले लिया है भगर को। इसको मैंने वॉश करके रखा था वैसे, और अच्छे से देख लिया है साफ़ करके। और इसको देखिए, हम इसको पानी में पहले दो पानी में धो लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ी देर भिगाने के लिए रख देंगे। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छे से साफ हो चुका है मगर। अब हम आगे की तैयारी देखते हैं। एक रोस्टेड फली दाना है, हाफ कप मैंने ले लिया है। तो इसको मिक्सी के जार में डाल के हम इसको दरदरा पाउडर बना लेंगे। इसका अभी आगे हमको इसकी ज़रूरत है, तो सब तैयारी करके रख लेते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने पुदीने की पत्ती ताज़ी वाली फ्रेश हरी, और हरी मिर्ची, इसका भी थोड़ा सा हरा मसाला बना लेते हैं। देखिए, ये चटनी नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा हरा मसाला बना रही हूँ। इसका भी मैं आपको बताऊँगी आगे उपयोग। और इसमें हरी धनिया पत्ती डालेंगे, एक दो हरी मिर्ची, पुदीना पत्ती, हरी धनिया पत्ती, और थोड़ा सा जीरा हाफ टी स्पून। इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको पीस के रख लेंगे। इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल लेंगे। तो गाइस, मैं आपको याद दिला दूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए, ये हमारा पीस क्या हरा मसाला, तो इसको हम अभी रख देते हैं। इसके उपयोग में आपको बाद में बताऊंगी कहाँ उपयोग में आएगा ये। तो चलिए और आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ही तरह का साबूदाना की खिचड़ी बना के खा रहे हैं, कुछ अलग सा बनाना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार का आप समा के चावल की पुलाव ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने देखिए, फ्राई पैन में जिसमें हमें बनाना है, नॉनस्टिक कढ़ाई है, उसमें मैंने दो चम्मच घी डाला है। और घी में हम सबसे पहले फली दाना तल के रख लेंगे, और फिर मैंने उसमें जीरा और दो तीन इलायची का तड़का लगाया है, हरी इलायची, और ये हरी ये कड़ी पत्ती और हरी मिर्च है। तो फ्वास में जो भी हम चीज़ डालते हैं फ्रेंड्स, वो आप डाल सकते हैं अगर बनाना है तो। और मैंने टमाटर भी ऐड किया है, और टमाटर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं खाते तो। और मैंने इसमें दो आलू डाला है कट करके। देखिए, थोड़ा सा हल्का सा इसको भून लेंगे मसाले के साथ में, आलू को भी। वैसे ये बॉयल्ड आलू है, आप कच्चे आलू भी डाल सकते हैं। मेरे पास आलू बॉयल रखे थे, इसलिए मैंने ये वाले आलू डाला है। और ये देखिए, हमारा चावल भी अच्छे से भीग चुका। तो जिस नाप से हमको बनाना है, उतने नाप में हमको पानी लेना है। तो मैंने ये देखिए, इसमें मैं इस नाप से मैं दो कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एक कटोरी का ही हमको बनाना है अभी। देखिए, देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, फिर आगे हम इसको डालेंगे। देखिए, पानी में उबाल आ चुका हमारा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, उपवास का नमक है, व्रत वाला सेंधा नमक। और ये देखिए, जिसमें हम नाप से दो कटोरी पानी लिया, उसी में हमको एक कटोरी ये भगर लेना है। और इसको लो मीडियम फ्लेम में करके थोड़ी देर हाई रखना है उबलते तक, उसके बाद लो मीडियम फ्लेम करके इसको सिम में करके ढाँक के रख देना है। और ये मैंने हरी धनिया पत्ती डाला है, अगर है तो डालिएगा। और ये जो फली दाना हमने तल के रखा था, वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे, थोड़ा हम और बचा लेंगे, बाद में काम आएगा उसका। और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इसमें मैंने काजू डाला है, काजू डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इच्छा अनुसार आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और नहीं भी डालें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो और इसमें मैं नींबू डाल रही हूँ। देखिए, खटाई के लिए हम नींबू डालेंगे, अभी तक खटाई के लिए मैंने कुछ नहीं डाला था, तो इसमें हम नींबू डाल देंगे। अब इसको अच्छे से उबाल आ चुका, तो लो मीडियम फ्लेम करके इसको ढाँक के रख देंगे। बहुत जल्दी पक जाते हैं फ्रेंड्स ये,
देखिए ढाक के लो मीडियम फ्लेम करके हमको 5 मिनट पका लेना है। अरे देखिए बॉयल आलू है, इसको हम कट करके रख लेंगे। इसकी भी मैं बता रही हूँ कि मैं इसको क्या बना रही हूँ। तो पुलाव के साथ खाने के लिए मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, रायता बना रही हूँ चूँकि आलू की। तो देखिए मैं कढ़ाई रख दी मैंने गैस के ऊपर एक साइड में, दूसरी साइड में, और इसमें थोड़ी से हम घी ले लेंगे अंदाज से हमको। देखिए तो मैंने 2 टीस्पून घी लिया है। अरे देखिए इनको चेक भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए पक चुका हमारा ये पुलाव। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ढाक के अभी रख देंगे गरम गरम में। और दूसरी साइड हम आलू का रायता बना लेते हैं। तो उसमें मैंने जीरा का तड़का लगाया है और ये हरी मिर्ची और कड़ी पत्ती और ये आलू। इसको थोड़ी देर भून लेंगे आलू को, तो इसका स्वाद अच्छा आता है रायते का प्रकार से। और इसमें मैंने जीरा का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा हमको काली मिर्च डालना है। और ये जो मैंने फली दाना दरदरा पीस के रखा था वो हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच। इसको भी साथ में अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे आलू के साथ। और ये जो हरा मसाला हमने पीस के रखा था मिर्ची और हरी धनिया का, वो ऐड कर देंगे। और इसमें मैंने दही डाला है 1 कटोरी। देखिए और उसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। ये आलू का रायता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर आप भी बना के देखिएगा। पुलाव के साथ खाने के लिए मैंने ये आलू का रायता बनाया है। टेस्टी के अनुसार नमक डालेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सब्जी आलू का रायता है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा आप मुझे। अवरत में अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरपूर होता है ये, हेल्दी फूड है ये। ये देखिए कितने बढ़िया बन के हमारा रेडी हो गया है ये पुलाव भगर का। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और अभी कहीं जाइएगा मत, इसके आगे भी थोड़ा सा कुछ बाकी है आपको दिखाने के लिए, तो मैंने तैयारी करके रखा है, देख लीजिए। ये भी आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। तो मैं भगर का ही एक और रेसिपी बता रही हूँ आपको। देखिए हमारा पुलाव बहुत खिला खिला सा, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी बन के रेडी है। तो इसको हम ढाँक के गर्म गर्म रख देंगे। अब मैं आगे की कौन सी रेसिपी है आइए इसकी तैयारी देख लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और आगे की वीडियो भी आप देख लीजिएगा इसके आगे भी। देखिए तो ये मैंने स्वीट पोटैटो है, इसको मैंने बॉईल करके रख लिया था छील के। तो इसको भी हम गोल गोल पीस काट के रख लेंगे। तो मेरे यहाँ स्वीट पोटैटो इस प्रकार से ही खाना पसंद करते हैं बच्चे। अब वैसे मैं इसकी खीर भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ ऐसे ही रखा है इसको खाने के लिए। तो मैंने इसको कट करके रख लिया है और ये हमारा पुलाव भी रेडी है। और चलिए आगे अब मैं क्या बनाने वाली हूँ ये आपको दिखा दूँ। तो मैंने वही सवा का चावल 1 कप ले रही हूँ। देखिए आज मैं उसी की 2 रेसिपी बता रही हूँ फ्रेंड्स। ज़रूर आप जो भी रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इसको मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी। अब वैसे तो आप इसको धो के भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सूखा ही पीस रही हूँ यहाँ पर अभी। ये देखिए सूखे में भी अच्छे से पाउडर बन जाता है, जिस प्रकार हमारी बारीक सूजी होती है या डोसा का हम पीसते हैं उसी प्रकार से। तो इसको हमको पीस के रख लेना है। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से पीस जाता है ये, सूखे भी पीसते हैं तो। आप चाहे तो पानी डाल के भी, थोड़ा पानी डाल के भी पीस सकते हैं। और ये देखिए उसी जार में मैं 2 बॉइल्ड आलू ले रही हूँ। अब इसको भी हम
इसमें एक कटोरी दही डालूंगी और इसको भी हम थोड़ा सा जार में पीस के रख लेंगे। देखिए इसको मिक्स कर लेंगे आलू और दही को, जो समा का भगर हमने पीसा था उसी पाउडर में, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपको मालूम है अभी नवरात्रि का सीजन है, व्रत चल रहा है, लोग 9 दिन का भी व्रत करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग अगर एक ही प्रकार का नाश्ता खाने से मन भर गया हो तो कुछ अलग ट्राई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भी आप बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी डिलीशियस ये व्रत का भोजन है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। ये भगर न्यूट्रिशन से बहुत भरपूर होता है, प्रोटीन होता है इसमें, कैल्शियम होता है, कोई भी किराना के दुकान में आसानी से मिल जाता है ये। तो आप ज़रूर एक बार, अगर अभी तक नहीं बनाया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, अभी भी 3-4 दिन बाकी है नवरात्रि को। देखिए तो ये इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया है बैटर अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा वो जो हमने पीसा था धनिया और मिर्ची का वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे, अब थोड़ा सा और बचा देंगे। तो ये मैं हरी धनिया पत्ती कट करके रखी थी तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, तो इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये हमको गर्म ही गर्म बनाना होता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बनाया है। तो इसमें 1-2 चम्मच हम ये रोस्टेड फली दाना ये भी डालेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं इसको, मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने ऐड कर दिया, ये टेस्ट और अच्छा आ जाता है ये डालने से। तो देखिए तो देखिए अब मैं ये खाली करके रख देंगे जार में, जो चटनी हमने बनाया है मसाला। चलिए रेस्ट करने के लिए मैंने रख दिया था 5-10 मिनट के लिए, तो ये हो चुका, अब ये बनाने के लिए तैयार रेडी है। मैंने नॉनस्टिक तवा रख दिया है इसमें, और इसमें थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे तवे में, बस 1/2 टीस्पून बिल्कुल थोड़ा सा ही घी लगाना है फ्रेंड्स, हमको ज़्यादा हमको घी नहीं लगाना है यहाँ पे, और ये बैटर डाल देंगे। देखिए जितना आप 1 चम्मच डालना चाहते हो 1 चम्मच, या 2-3 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। देखिए और इसको लो मीडियम फ्लेम में करके ढाँक के हमको प्लेट में कवर करके इसको ढाँक देना है, ये देखिए, और दूसरे देखिए उसके बाद में फिर हमको थोड़ा सा इसमें ऊपर से घी लगाना है, और फिर इसको हमको पलटा देना है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी घी है, ये बहुत ही टेस्टी चीला है ये फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत ही हेल्दी भी होता है ये, बहुत ही कम तेल से बन के तैयार होता है। और ये देखिए हमारी आलू का रायता, मैं आपको प्लेट लगा के भी सर दिखा रही हूँ। तो ये हमारी ये है फली दाने की चटनी, और ये आलू का रायता, और ये हमारा चीला भगर के चावल और दही और आलू का। देखिए ये हमारी थाली रेडी है उपवास की, व्रत वाली थाली, और ये है पुलाव हमारा। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको आज के व्रत की थाली, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, और आपने ट्राई किया है कि नहीं ये भी मुझे बताइएगा। और ये देखिए स्वीट पोटैटो, और ये हमारी चटनी आलू का रायता, और ये चीला, और ये पुलाव, हमारी ये आज की थाली तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।